ग्रेश इफेक्ट, तो मैंने वो नहीं लिया बिकॉज आई हैव येलो टोन और मुझे पिंक टोन वाली चीज़ें सूट नहीं होती है, सो दैट्स वाई आई स्किप दैट. एंड देन मैंने जब देखा कि बेज वाला जो है वो बहुत डार्क है, सो आई थॉट टू गो फॉर द फर्स्ट शेड, लेकिन ये मेरे स्किन के लिए बहुत लाइट है. तो मैं क्या कर रही हूँ फिलहाल, मेरे पास कलर बॉक्स का फाउंडेशन है, वो मैं मिक्स करती हूँ एक ड्रॉप या अकॉर्डिंग टू माई चॉइस, एंड देन आई मिक्स इट एंड देन आई यूज़ इट. और अगर आप इसको सिर्फ इसको यूज़ कर रहे हो और आप ब्लेंड करने की हाथ से कोशिश करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज इवन इट हैज़ दैट हाइड्रेटिंग इफेक्ट, लेकिन ब्लेंडिंग में मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है टू सी कि ये कितना ब्लेंड हो रहा है आपके स्किन के साथ. ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू योर यू नो स्किन शेड दैट यू मैच अप विथ. मैंने जब इसको लिया था तो मुझे ये सिंगल यूज़ में, लाइक सिर्फ इसको जब यूज़ किया और मैंने देखा तो बहुत वाइट इफेक्ट लगा बिकॉज ऑफ द शेड ऑफकोर्स. बट आई थिंक इफ़ यू हैव द राइट शेड तो ये आपको अच्छा ग्लो देगा एंड गिव्स यू नाइस फील ऑन योर फेस. आपका चेहरा काफ़ी देर तक, लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 hours ब्राइट दिखता है, फ्रेश दिखता है. सो दोज हु लाइक यू नो दैट ब्राइट इफेक्ट, ग्लोई इफेक्ट, हेल्दी इफेक्ट या सम काइंड ऑफ इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट, दिस इज़ द बेस्ट ए टू जेड क्रीम व्हाट यू कैन गो फॉर. इसमें मुझे इश्यूज़ ये लगे कि जिनको शेड मैच नहीं मिलेगा उनको इशू होगा कि वो वाइट दिखेगा जैसे मुझे, बट आई एम एक्चुअली कंबाइनिंग इट विथ द फाउंडेशन एंड देन यूजिंग इट, तो हो गया काम मेरा. बट स्टिल लाइक शेड वाइज थोड़ा सा इनमें अगर 4-5 शेड्स होते तो थोड़ा और अच्छा रहता बिकॉज द क्रीम इज़ गुड. इसमें SPF 30 भी है, सो विच इज़ अ गुड फैक्टर बिकॉज यू डोंट हैव टू अप्लाई सेपरेट सनस्क्रीन. अगर आप धूप में रहने वाले हो, लाइक आउटसाइड आप रहोगे ज़्यादा, तो 50 या 60 वाला सनस्क्रीन इसके पहले लगा लो एंड देन यूज़ इट, सो इट विल बी गुड टू गो. इसका टेक्सचर बहुत लाइट है, क्रीमी सा है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है. सो फॉर द बेस्ट रिजल्ट आई वुड सजेस्ट कि आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना बिकॉज दैट गिव मी अ गुड लुक. ओके, नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई डोंट लाइक अबाउट दिस क्रीम. इज फर्स्ट थिंग इट ब्रोक मी आउट, सेकेंड थिंग बहुत महंगी लग रही है मुझे ये 749 में अगर लेनी है तो, थर्ड थिंग इसमें शेड्स बहुत कम है. अदर देन दैट द क्रीम इज़ एक्सीलेंट, बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, तो जिन लोगों को ये सूट हो जाएगी उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है. सो दैट्स माई रिव्यू अबाउट दिस ए टू जेड क्रीम फ्रॉम ओरिफ्लेम. एंड इफ यू हैव लाइक्ड माई रिव्यू लेट मी नो, एंड या हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.